हाँ भाई दोस्तों, यारों क्या हाल है? ठीक ठाक, मज़े में। और डिजिटल पाकिस्तान की जो सेरेमनी हुई, इस पे मैं भी वॉच कर रहा था और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा खुश हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा ताल्लुक ही इसी इंडस्ट्री से, आईटी इंडस्ट्री से फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? मैं एटलीस्ट ये तो कह सकता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आई एम वन ऑफ देम कि मैं इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कर सकता हूँ, और इस वीडियो के थ्रू इमरान खान की जो टीम है, जो तानिया जो टीम बना रही है, उनको दे सकता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो आपको सारा काफ़ी नज़र आएगा। पिछले एक साल से मैं इन सारी वीडियोस में यही बता रहा हूँ कि इस टाइम एजुकेशन पे काम होना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन हर लिहाज से होनी चाहिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, गाँव गोठों देहातों में किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। और जो हमारी आवाम है, यूट्यूब पे इंडियन गाने, फिल्में, मुन्नी बदनाम हुई, उससे हटके जो है इसको कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। खान एकेडमी का एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे कर सकते हो। सो टन ऑफ थिंग्स, उन्होंने भी सारी बातें वही की हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वो इस एफर्ट पे काम कर रही हैं। और उन्होंने जो बात की है, आपका क्या कहते हैं, डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में, मैंने अपने सारे नोट्स किए हुए, तो मैं शेयर करना चाहूँगा। और मे भी ये 3 या 4 वीडियोज़ बने, कोशिश करूँगा कि कम वक्त में ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर दूँ मैसेज। तो वुल सी एंड ऑफ दिस वीडियोस कि कितनी वीडियो बनती हैं, और उसको डिफरेंट पार्ट्स में मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो एरियाज और टॉपिक्स में कवर करूंगा वो तानिया के करूंगा, फिर इसके बाद जो है आपके रजा बाकर के हैं, और फिर खालिद मकबूल और इमरान खान, इन तीनों चारों लोगों की स्पीच से मैंने जो कलेक्ट किया, और उस पर लोगों को अंडरस्टैंड करूंगा इस वीडियो से थोड़ी मोर डिटेल्स बताने के लिए।